आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विकलांग प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, इस सब को मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आके ओपन हो सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी विकलांग प्रमाण पत्र आपका अपना हो तो भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास शॉप हो तो किसी का भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल स्टेट्स के लिए है, किसी भी स्टेट से है आप तो आप यहाँ से कोई भी स्टेट का आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है यहाँ रिन्यूअल भी करा सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे जो है प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि डाउनलोड भी जो है आप यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो और एक आपको आईडी प्रूफ और आपको यहाँ पे एक आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आपको देनी पड़ेंगी। तो आप कोई भी स्टेट से हैं तो यहाँ से आप जो है विकलांग प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ है इस पर क्लिक करके आप कर सकते हो, या यहाँ पर अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID कार्ड है इसके लिए यहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों सेम ही है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप विकलांग प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको न्यू टैब यहाँ पे आपको ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 4 स्टेप में आपको यह फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको जो है पूरा फॉर्म एक बार यहाँ से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो फर्स्ट स्टेप का है। तो यहाँ पे से इसको पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको पर्सनल डिटेल, इसके बाद यहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की डिटेल है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल है और यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स है। यहाँ पे ऊपर में देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि ये ऑल स्टेट में जो जहाँ जहाँ बनता है इंडिया में वो सारे के सारे स्टेट यहाँ पे आपको ऊपर चलता हुआ नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ से ऑल स्टेट के लिए आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी विकलांग प्रमाण पत्र के लिए यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले आपको जो है एप्लीकेंट का नाम देना पड़ेगा जिसका भी है, तो उसका यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम, यहाँ और यहाँ पर आपका सर नेम डालना पड़ेगा। तो या इसके बाद यहाँ पर आवेदन का जो है नाम यहाँ पर हिंदी में डालना पड़ेगा। हिंदी में डालने के लिए आप यहाँ गूगल इनपुट टूल का यूज करेंगे तो यहाँ पे आप डाल लेंगे गूगल इनपुट टूल, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए गूगल इनपुट मैप है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गूगल इनपुट टूल। यहाँ पर देखिए गूगल इनपुट टूल आ चुका है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, इस पर को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे ट्राई इट और पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे इंग्लिश का है, यहाँ पे से हिंदी आप या जो भी लैंग्वेज में है यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा। यहाँ मैं हिंदी कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ मैं डाल देता हूँ राजा। इस तरीके से यहाँ पर आपको जानना है, यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जो भी सही लगे उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C करके, या डायरेक्ट आप राइट क्लिक कीजिएगा माउस से और इसको कॉपी करके डायरेक्ट आप जहाँ भी नाम डालना चाहता है, जैसे मैं यहाँ डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। यहाँ आ चुका है। तो इस तरीके से आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ हिंदी में टाइपिंग कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर फादर नाम डालना है, मदर नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आवेदक के जो है पिता है उसका हिंदी में यहाँ पे आपको नाम डालना है। यहाँ मैं बता दूँ यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ कैलेंडर में से इस तरीके से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पे आपको जेंडर चूज कर लेना है, मेल है फीमेल है, इस तरीके से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज कर लेना है, SC ST OBC है, जो भी है तो आपको यहाँ पे से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है मार्क ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके बॉडी पे कोई कटा फटा जो या कोई चीज़ का निशान है तेल उल का, तो वो
आप यहाँ पे उसका जो है आप यहाँ पे टाइपिंग कर दीजिएगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप है आपका, जो भी ब्लड ग्रुप है आपको यहाँ पे डाल देना है। नहीं है आपको पता तो यहाँ पे इसको आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका पूछा जाएगा कि आप शादीशुदा है या आप अनमैरिड है। अगर शादीशुदा है तो यहाँ मैरिड डालेंगे, अगर अनमैरिड है तो यहाँ पे अनमैरिड डाल देंगे। शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, मतलब यहाँ पे क्लिक करके इसमें से आपको चूज कर लेना है कि आपका फादर मदर या अंकल कोई सिस्टर जो है इसमें से आपको पीडब्ल्यूडी है मतलब डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है गार्जियन का जो है यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा जो भी है, यहाँ पर जैसे चूज कीजिएगा। यहाँ पे आपको इसको यहाँ अंकल है मंकल जो भी है इसका मदर फादर जिसका भी नाम इसमें चूज कीजिएगा वो उसका नाम यहाँ पे आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका इमेज साइज़ है जो 15 KB से 30 KB का आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी फोटो होगा फोटो को सेलेक्ट करके आपको इसमें आपको ओपन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो साइज है आपको जो है यहाँ पे JPG और यहाँ पे JPG GIF और PNG फाइल में है और 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ चूज फाइल पर यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करके जहाँ भी फोटो होगा आपको फोटो को सेलेक्ट करके इसमें आपको ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। इसके बाद हिंदी में डाल देना वही गूगल इनपुट टूल की वजह से हेल्प से। इसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना कि आप कौन सा स्टेट से है, जैसे मैं यहाँ बिहार से हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें से चूज करें, जैसे मैं यहाँ पे मधुबनी से हूँ। इस तरीके से आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से है, इसके बाद यहाँ पे आप ब्लॉक वगैरह यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है कि आपका जो पिन कोड क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट तहसील है जहाँ भी है तहसील वगैरह वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है इसमें इनेबल हो चुका है, यहाँ पे डाले हैं। तो इस तरीके से जहाँ भी है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज करने के लिए, तो आपको इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको पहले बताया हूँ तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट है आपको इसमें से डाल देना, जैसे यहाँ आधार कार्ड है, आर्मी लाइसेंस है, इसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ पर पासपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत सारा है, इनकम सर्टिफिकेट है, बहुत सारा है, पेंशन है, इसके बाद यहाँ वोटर आईडी है। जो भी आपको डालना है इसको इसमें से आपको चूज कर लेना है। जैसे हमको आधार कार्ड डालना है, मैं यहाँ आधार कार्ड चूज कर लूँगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे आधार कार्ड को चूज कर लेना है। एक बात मैं बता दूँ कि जो भी रेट वाला जो आपको यहाँ पर सिग्नल आपको पता चल रहा है वो आपको भरना ही भरना है, ठीक है। अगर आप जो जिसमें आपको रेट जो नहीं पता चल रहा है रेट नहीं है उसको आप छोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो आपको यहाँ पर रेट वाला है उसको आपको भरना है, ठीक है। ये बहुत कंपलसरी है, अगर इसको नहीं भरिएगा तो फिर आपका जो फॉर्म है फिलअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो आपको रेट वाला जो मार्का शो कर रहा है स्टार का, इसको आपको भरना ही भरना है, बाकी आपको इसमें छोड़ भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। इसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि अपलोड प्रूफ कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, मतलब अपने एड्रेस का कोई एक प्रूफ यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर आधार कार्ड जो है यहाँ पर चूज किए हैं यहाँ डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे आपको उसका जो है क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको फाइल पर जाकर यहाँ पे आपको जो है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे आपके पास हो गया आवासीय हो गया, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बहुत सारा हो गया जिसमें आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, उसमें से कोई भी है तो आपको यहाँ पे चूज करके डाल देना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ JPEG JPG PNG फाइल में है और 10 KB से 100 KB के बीच में आपको होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको डाल देना है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये दोनों ऑलरेडी यहाँ फिलअप हो जाए। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और ये जो परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो फिर यहाँ पे आपको इसको चेकमार्क अनचेकमार्क कर देना है और इसको आपको पूरा को आपको फिर से आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है एजुकेशनल डिटेल का, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हाई स्कूल, डिप्लोमा, ग्रेजुएट जो भी है तो आपको इसमें से जो भी आप पढ़े लिखे हैं वो आपको यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेना। जैसे हम यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एजुकेशन डिटेल चूज करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, एक बार इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि जो आप फॉर्म जो फिलअप किए हैं वो सही तरीका से फिलअप हुआ है या नहीं। तो चेक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ पे जाके इसको आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिसेबिलिटी डिटेल्स देने के लिए आपको, तो यहाँ बोल रहा है डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। जैसे ये मेरे पास है तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे आपको फाइल पे जाके इसको चूज कर लेना है। यहाँ पे देखिए 10 KB से आपको 30 KB में 100 KB में आपको होना चाहिए।
तो यहाँ से आपको जो डिसेबिलिटी डिटेल है आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ पे यस करके वो सारे के सारे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह डाल देना है। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करेंगे। नो वाले पे क्लिक करके यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको किस टाइप की डिसेबिलिटी है, खराबी है, वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारा जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है डिसेबिलिटी। यहाँ पर देख रहे हैं फिजिकल है, स्टेटस है, स्किन केरियर डिसऑर्डर है, तो इसमें आपको ढेर सारा मिल जाता है। जो भी डिसेबिलिटी है वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका डिसेबिलिटी सिंस और डिसेबिलिटी बाय बर्थ। तो यहाँ पे बर्थ डाल के भी इसमें अपना जो है डिसेबिलिटी आपका बर्थ जो भी है यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पेंशन कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी एरिया डाल देना। तो यहाँ डिसेबिलिटी सिंस ही आप कीजिएगा और यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी सिंस में से आपको इसमें से चूज कर लेना है कौन से ईयर में आपको डिसेबिलिटी हुआ है, वो आपको ईयर इसमें से चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर 2017 चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी एरिया आपको इसमें से चूज कर लेना है कि आपको यहाँ पे ब्रेन में है डिसेबिलिटी, मतलब कोई ख़राबी है। इसके बाद यहाँ पे बोथ श्योर लिंग में है, यहाँ पे बोथ लिंग में है या आई में है, तो कहाँ पे आपका जो है डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे एरिया चूज कर लेना है। जैसे यहाँ बॉडी हार्ट में है तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटलिटी टेंडिंग डिसेबिलिटी अगर कुछ है तो डाल देना है, पेंशन कार्ड नहीं तो नहीं डालना है। यहाँ डिसेबिलिटी ड्यूटी यहाँ पे आपसे इसमें से चूज कर लेना है कि एक्सीडेंट है आपको, मतलब आपको जो डिसेबिलिटी हुआ है एक्सीडेंट के हुआ है या कौन से डिसेबल हुआ है डिसाइजर हुआ है, तो इसमें से आपको जो भी है इसमें से आपको इसमें से चूज कर। अगर आपको पैदाइशी है तो सिंपली आपको इसमें से पैदाइशी चूज कर लेना है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट में यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल चूज कर लेना है अंडर डिफाइंड। इसके बाद सिंपली यहाँ पर पूरे कुछ अगर सब कुछ सही है इसके बाद यहाँ पर आपको कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में यहाँ पर आपको डाल देना है कि आप काम वगैरह क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट। बाद यहाँ पे ओके पिछना को चूज करना का काम क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं वो आपको इसमें से चूज करके डाल देना। मैं डाल देता हूँ यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद यहाँ पे आपके पास APL है BPL है, अगर है तो इसमें से APL BPL को आपको इसमें से चूज कर लेना है, अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे ना कर देंगे। यहाँ पे आपका पर्सनल इनकम कितना है एनुअल वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आपको इनकम है यहाँ पे बिलो, यहाँ पे आपको 10,000 है, यहाँ पे 10,000 टू 1,00,000 है, जो भी है आपको इसमें से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको आपको जो पत्नी है उसकी अगर कोई इनकम है तो इसमें से आपको इसमें से चूज कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म सब कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन आ चुका है आपका फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे है आइडेंटिटी डिटेल। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी चूज कर लेना है, आधार कार्ड, यहाँ जो भी आपके पास जो आईडी प्रूफ है उसमें से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे फोटो क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे आपको ढेर सारा वोटर आईडी मिल जाता है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड मिल जाता है, तो आपको जो भी आइडेंटिटी कार्ड है इसको आपको इसमें से चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड है मैं इसको चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड चूज कर लिए, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ सेम एज जो कॉरेस्पॉन्डेंशियल एड्रेस अगर सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है TIN नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। अगर आपका जो आधार कार्ड पे और ये जो एड्रेस है इसका अगर सेम नहीं है तो सिंपली यहाँ पर से अनचेक करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो प्रूफ है इसको अपलोड करना पड़ेगा, तो जो भी प्रूफ है आपको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, है JPEG PNG में और 10 KB से आपको 100 KB में आपको यहाँ पे होना चाहिए। चलिए मेरा जो आधार कार्ड है वो सेम है तो यहाँ पे मैं टिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड फिर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अगर सेम नहीं तो फिर आपको यहाँ पे जो आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मेरा सेम है, मैं इस पर चेक करूँगा। यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे या कैप्चा है, कैप्चा आपको इसमें डाल देना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से कैप्चा को आप इसको रिफ्रेश भी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में आपको कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद सिंपली यहाँ पे जो है आई हैव रीड इन एग्री पे क्लिक, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है प्रोसीड पे, तो यहाँ से आपको इस तरीके से प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आपको प्रोसीड करते ही यहाँ पे आप पूरा फॉर्म आपको ओपन होके आ जाता है, इसको आपको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। अगर लग रहा है कि सब कुछ सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो सिंपली आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा और यहाँ पे कन्फर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। अगर लग रहा है कि इसमें कुछ गलत है इसको सही करना है तो सिंपली अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ एडिट एप्लीकेशन है, इस पर जाके आपको क्या करना है इसको एडिट कर लेना है अगर कहीं इसमें लग रहा है गलत है तो। चलिए मेरा फॉर्म सब कुछ सही है, सिंपली यहाँ मैं कन्फर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर कुछ जो है डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपको यहाँ पे यस नो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इज एप्लीकेशन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे बोला है सर नेम इज आपका यहाँ कैपिटल लेटर में है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे नेम इज जो रीजनल लैंग्वेज है आपको यहाँ पे ओके इस तरीके से आपको यहाँ पे यस मार्क कर देना है।
यहाँ पे आपको टिक करने के बाद सिंपली यहाँ यस वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। होने के बाद यहाँ पे देखिए कि आपका फॉर्म यहाँ पे थैंक यू आ हो चुका है और यहाँ पर जो है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, मतलब जो आपका एप्लीकेशन है वह यहाँ सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे आपको एक इनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पे दे दिया है, तो इस इनरोलमेंट नंबर को आप नोट कर लीजिए, इसको कॉपी करके इसको आप रख सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, इसको आप कॉपी करके रख लीजिए या आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये आपको जो एप्लीकेशन को ट्रैक कीजिएगा तो यहाँ दिखाई देख रहे हैं नीचे लिखा आ रहा है योर कैन सी यू नंबर ये ट्रैकिंग योर एप्लीकेशन, ये नंबर से आप जो अपने एप्लीकेशन जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसको आप देख रहे हैं कि डाउनलोड एप्लीकेशन, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, और यहाँ पर है कि डाउनलोड यहाँ पे रिक्सेप्ट, तो यहाँ पर चलिए मैं इस पर क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि आप जो एप्लीकेशन यहाँ पर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आपका डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि जो मैं फॉर्म फिलअप किया हूँ यहाँ पे पर्सनल विथ डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म यहाँ पे आपको फिलअप दिखा दिया हूँ करके, तो इस तरीके से आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आप आ चुका है, इस इनरोलमेंट नंबर से आप जो है अपना एक एप्लीकेशन है उसका जो स्टेटस आप है जो है इसको आप चेक कर सकते हैं कि आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसका स्टेटस क्या है। इस तरीके से आप अपने जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसका जो है स्टेटस बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो है रिसिप्ट भी आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड करने के लिए रिसिप्ट पे यहाँ रिसिप्ट पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, यहाँ का जो आपको है रिसिप्ट, रिसिप्ट पे क्लिक करके इसको देख लीजिए आपका जो रिसीव है कैसा है। यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरीके से आपका जो है यहाँ जो रिसीविंग जो मिलता है वो आपको रिसीविंग जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको शो कर देता है। अगर आपके पास कोई शॉप है या साइबर कैफे है, अगर आपके पास कोई फॉर्म फिलअप करवाने आता है इस तरीके से, तो यहाँ पे आप जो है इसका है रिसिप्ट इस तरीके से निकाल के उसको दे सकते हैं। और यहाँ पे उसका जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, इससे आप अपना जो है स्टेटस है बहुत ही आसानी से वो चेक कर सकते हैं कि मैं जो फॉर्म फिलअप किया हूँ उसका जो स्टेटस यहाँ पे क्या है। तो इस तरीके से उसका पूरा डिटेल वगैरह यहाँ पे आ जाता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, इस वगैरह से पूरा यहाँ पे उसका डिटेल यहाँ पे आ जाता है। इसके साथ ही आपके है रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर भी आपको यहाँ पे ये जो नंबर है इनरोलमेंट नंबर वो आपको जो मोबाइल नंबर है उस पर भी आपको सेंड कर दिया जाता है। तो किसी टाइम भी अपना स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, यहाँ पे आपको देखना है इनरोलमेंट नंबर, UDID नंबर, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट नंबर जो मिला है वो, फ़ोन नंबर, यहाँ पे आधार नंबर डाल के भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहले डाल के देख लेता हूँ मोबाइल नंबर जो दिया हूँ, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं टाइपिंग कर देता हूँ। इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर फॉर्म फिलअप करने टाइम में दिए थे, यहाँ गो वाले पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी स्टेटस है वो स्टेटस आपको पता चल जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि योर एप्लीकेशन करंट स्टेटस, मतलब अभी जो मैं इसको सबमिट किया हूँ फिलअप करके, तो यहाँ पे देखें यहाँ सबमिटेड और यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन यहाँ पे अपना नंबर यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है जो भी आपका जो नंबर रहेगा और क्या स्टेटस है आपको जो स्टेटस यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा। सो इस तरीके से आप अपने जो है स्टेटस बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं कि आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसका स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से गाइस आप कोई भी स्टेट के लिए बहुत ही आसानी से इस वेबसाइट से आप डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट यानी विकलांग सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटस सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड ई डिसएबिलिटी कार्ड और यहाँ पे UDID कार्ड, तो यहाँ से जाके आप बहुत ही आसानी से जब ये आपका बन जाता है तो यहाँ पे आपको जो इनरोलमेंट नंबर मिला है वो, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल के आप बहुत ही आसानी से यहाँ से आप इसको लॉगिन होकर इस पर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से डालने के बाद यहाँ लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे, इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका जो है यहाँ पे स्टेटस है वो पता चले। यहाँ पे देखिए ये मेरा यहाँ पे पूरा जो मैं डाला हूँ तो यहाँ पे मेरे पूरा यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे जो आप यहाँ से जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे रिसिप्ट भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आ जाने के बाद। तो गाइस इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इससे आप जो है डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब आप इसका जो है विकलांग प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस आप बहुत ही आसानी से कोई भी स्टेट के लिए यहां से आप डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट यानी विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
सो गाइस आपने जाना कि विकलांग प्रमाण पत्र यानी डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।